नमस्कार, द चेताली गुप्ता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नारियल की चटनी बनाने जा रहे हैं। नारियल की चटनी हम डोसा, इडली और बड़ा के साथ खा सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं नारियल की चटनी बनाना। नारियल की चटनी बनाने के लिए एक कटोरी मूंगफली दाना लिया है, इसके छिलके निकाल लिए हैं, एक कटोरी ताज़ा नारियल, 3 से 4 हरी मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार लेंगे, तड़के के लिए 1 चम्मच सरसों दाना, करी पत्ता और 2 साबुत लाल मिर्च ली हैं हमने। सबसे पहले हम मूंगफली दाना, ताजे नारियल, हरी मिर्च, हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर कम तीखा खाना है तो कम डालें, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। अब हम इसमें पानी डालकर पीसेंगे। ये देखिए, हमने 1 छोटा गिलास पानी लिया है और इसमें पूरा पानी डाल दिया है। अब इसको हम पीस लेंगे। एक बार चेक करेंगे, अगर पानी की और ज़रूरत है तो हम और डाल देंगे। इसमें अभी और पानी पड़ेगा। ये देखिए, हमने 1/2 गिलास के करीब और पानी डाल दिया है। फिर से पीसेंगे। हमने पीस कर निकाल लिया है। ये चटनी बहुत गाढ़ी लग रही है, हम इसमें और पानी मिला सकते हैं। ये देखिए, ये अब सही है। अगर और पतला करना चाहते हैं तो हम इसमें पानी डाल सकते हैं। अब हम तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए 1 चम्मच हमने रिफाइन को गरम किया, उसमें सरसों दाना डाल दिए। सरसों दाना को चटकने तक फ्राई करेंगे। अब हम इसमें करी पत्ता हाथों से तोड़कर डालेंगे। अगर चाकू से काटेंगे तो बहुत बारीक बारीक कट जाएगा, इसलिए हम हाथों से ही तोड़कर डालेंगे। करी पत्ता अच्छे से फ्राई होने देंगे। अब हम इसमें लाल मिर्च जो हमने साबुत ली थी उसको तोड़कर डालेंगे। आप कैंची से भी काट सकते हैं और इसको भी फ्राई करेंगे। जब मिर्च फ्राई हो जाएगी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब हम इस तड़के को चटनी में डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से और मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हमारी चटनी बनकर तैयार है। बहुत ही प्यारा कलर आया है चटनी का। ये रेसिपी घर पर जरूर बनाएं, और अगर कोई भी सवाल हो, जैसे रेसिपी बनाते समय कोई भी परेशानी आए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर जाना है और अपनी परेशानी लिखनी है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको समय पर अच्छी सलाह दे सकूं। आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं नीचे कमेंट कॉलम में। आपके सुझावों से मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकूंगी। आपको यह वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। आप मेरे वीडियो और फोटोज फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगला वीडियो आने तक हेल्दी रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।